Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. एक बार भारत के विकास के बारे में नफरत के बाजार फैलाना बंद करें। सात समंदर पार अमेरिका में राहुल गांधी भारतीय समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, देश के हालात पर अपनी राय दे रहे हैं, जो देश के भीतर बयानों की आंधी लेकर आ रही है। बुधवार को राहुल गांधी अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में थे। यहां उन्होंने भारतीय छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान संसद सदस्यता रद्द होने पर राहुल गांधी का दर्द भी छलक पड़ा। 2004, I ever imagined anything that I had ever imagined. To be the first person to get a full criminal sentence on defamation, get the maximum sentence to be disqualified from parliament. I didn't imagine that something like this was possible. But then, I think it's actually given me a huge opportunity. स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में राहुल गांधी सिर्फ अपनी सदस्यता पर ही नहीं बोले, बल्कि लोकतंत्र का जिक्र कर उन्होंने जो बयान दिया वो केंद्र की सत्ता में काबिज भाजपा को चुभने वाला है। I think the drama started really about 6 months ago. We were struggling. The entire opposition is struggling in India. Huge financial dominance. Institutional capture. We are struggling to fight the democratic fight in our country. And we decided none of the systems were working. Democracy isn't just about an opposition party. अमेरिका से राहुल गांधी सीधे सीधे पीएम मोदी को निशाना बना रहे हैं, जिस पर भाजपा हमलावर है। राहुल गांधी के बयानों को भाजपा ने देश के अपमान से जोड़ दिया है। दुनिया के अन्य नेता मोदी जी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 सालों में लगातार चुने जाते हैं। अब इस बात को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। जब हजम नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं जाकर उल्टा सीधा बोलना है, पहले इंग्लैंड में, अब अमेरिका में। पीएम मोदी और देश में लोकतांत्रिक ढांचे को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी पर भाजपा चौतरफा वार कर रही है, सवाल राहुल गांधी की मानसिकता पर उठा रही है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, जब मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हम 5 बिलियन यूएस इकोनॉमी की तरफ बढ़ चुके हैं, ऐसे समय घर के वेदी लंका ढाबे की सिद्धांत पर ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय बदनामी को करने का प्रयास करते हैं। आपको अगर कोई बात कहनी है तो हिंदुस्तान में, भारत में, यहाँ की प्रेस के सामने आप क्यों नहीं कहते? यहाँ पर आप लोगों को संबोधित करके इन बातचीतों को क्यों नहीं करते जिनको आप करना चाहते हैं? विदेश में जाकर क्या बताना चाहते हो? आप हिंदुस्तान से अलग हो क्या? ये इस प्रकार की राहुल गांधी की जो मानसिक स्थिति है, ये ठीक नहीं है। साफ है कि राहुल गांधी के बयान पर भाजपा के तेवर तल्ख हैं। ऐसे में कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में उतर गई है। हिमाचल के बाद कर्नाटक, इसकी हार ने भाजपा का मानसिक संतुलन खो लिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा में ही तो सब कुछ कहा, क्या प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा था कि वो गैस से पाइप जोड़ो और सीधे चाय बना लो? प्रशंसा की उनकी। क्या प्रधानमंत्री जी ने ये ज्ञान नहीं दिया था कि आज बदली है आसमान में, इस समय जाओ राडार के पकड़ में नहीं आओगे? तो हम उनकी प्रशंसा करें तब नाराज होते हैं। कुल मिलाकर एक बार फिर विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है।